हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल लर्न एंड मस्ती में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए सिनारी की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी वे में आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कोई पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं कलर की मदद से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो बस आपको करना ये है कि थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, और बस स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे साथ फॉलो करोगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से इस ड्रॉ को आप भी बनाना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं लाइट स्काई ब्लू कलर ले रही हूँ, और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से आपको फैलानी है। तो ये जो ड्रॉ है ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, क्योंकि चैनल पे हर तरीके की मैं वीडियो ला रही हूँ, हर तरीके के बच्चों के लिए, बड़े छोटे सबके लिए। तो ये बड़े बच्चों के लिए, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी, पर फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप जब फ्यूचर में जब भी ड्रॉ बनाओगे तो आपको इससे आइडिया मिलेगी कि कलर को किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। और जो बड़े लोग इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इसे ज़रूर दिखाइए, ताकि वो मोटिवेट हो सके ड्रॉ करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी गैप छोड़ी हूँ बी की शेप में, आपको भी इसी तरह से करनी है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं स्काई ब्लू को नीचे से भी फैलाती और बीच में थोड़ी सी गैप रखी हूँ, तो यहाँ दूसरी कलर होगी। और उससे पहले आपको स्काई ब्लू से ही ये जो ड्रॉ है इसे आपको दो भाग में डिवाइड करनी है, एक लाइनिंग करनी है बीच में इस तरीके से। और अब आप येलो कलर को इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में कलर को आपको फैलानी है। तो ये येलो कलर यहीं तक होगी, हाफ होगी यहाँ तक बस। और इसी प्रोसेस में आपको स्काई ब्लू कलर लेनी है, और ये जो वाइट वाली जगह है इसे भी आपको इसी तरीके से फिल करनी है। ये हो गई। अब मैं यहाँ पे डार्क येलो ली हूँ, और सेम उसी प्रोसेस में आपको इसे भी अप्लाई करनी है, इसी को ऊपर चलानी है आपको। तो ये येलो हो गई, और अब इसी से आपको इस तरीके से टैप टैप करते हुए सिर्फ डॉट डॉट देनी है, और कलर अब आपकी चेंज होते जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज ले रही हूँ, और जहाँ तक येलो है वहाँ तक आपको इसी तरीके से डॉट डॉट बनाते हुए आपको कलर को फैलानी है। तो ये ऑरेंज हो गई। अब आपको सेम इसी प्रोसेस में रेड कलर लेनी है, और इसे भी इसी तरीके से फैलानी है जैसे आप ऑरेंज को किए थे। तो बस आपको सिर्फ टैप टैप करते जानी है। तो ये रेड मेरी हो गई, और अब आपको इसी प्रोसेस में पर्पल कलर लेनी है, और उसे भी इसी तरीके से करनी है। पर यहाँ पे ये कलर बहुत ही कम देनी है, आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको करनी है, बहुत कम पड़ेगी ये कलर। बस ये हो गई। और अब आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर लेनी है, और जैसे आप रेड और ऑरेंज को फैलाए थे टैप करते हुए, टैप टैप करते हुए, ठीक इसी तरीके से आपको इसे भी इसी तरीके से करनी है। आप देख रहे हो सिर्फ डॉट डॉट हो रही है, तो इसी तरीके से आप ग्रीन को भी फैला दो, जहाँ तक येलो है वहीं तक आपको करनी है। तो ये ग्रीन हो गई, और अब मैं दूसरी साइड भी कलर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं डार्क ब्लू कलर ले रही हूँ, और आपकी प्रोसेस जो है वो सेम यही रहेगी, इसी तरीके से आपको कलर को फैलानी है, या फिर आप इस तरीके से एक लाइनिंग लाइनिंग कर सकते हो। और जैसे जैसे कलर आपके नीचे जाएगी इससे कलर को थोड़ी सी आपको फैला के मोटी करनी है, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो आप चाहो तो इस प्रोसेस में भी कर सकते हो। फैला दी, और अब मैं यहाँ पे वायलेट कलर लूँगी, और इसे भी इसी प्रोसेस में आपको फैलानी है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर को ले रही हूँ, और इसे भी इसी तरीके से अप्लाई करनी है। और लास्ट में फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अब सी ग्रीन ले रही हूँ, और इसे थोड़ी सी ज़्यादा आपको कलर देनी है सी ग्रीन को, इस तरीके से। तो ये हो गई। और अब आपको यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर लेनी है, और हल्की हाथों से आपको इस तरीके से रब करने हैं, इसे अब आपको टैप टैप नहीं करनी है, बस इस तरीके से धीरे धीरे आपको कलर को आपस में मिलानी है। बस ये थोड़ी सी हल्की हाथों से आपको करनी है, प्रेशर नहीं देना आप। ये ग्रीन कंप्लीट है, और अब मैं यहाँ पे ये कुछ ईयरबड ली हूँ, इस तरीके से आपको मिला लेनी है और आपस में। इससे पहले आपको थोड़ी सी ब्लैक सी लाइनिंग कर देनी है ये,
और इसके बाद आप ईयरबड को अप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके से थोड़ी सी राउंड करते हुए हल्की हाथों से आपस में कलर को मिलानी है। तो ये बहुत ही स्मूथनेस होनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर आप मत डालना। तो मैं इस तरीके से मिला के आपको दिखा रही हूँ पूरी ड्रॉ को, आपको किस तरीके से करनी है। इस एकदम आप देख रहे हो कि मैं धीरे धीरे हाथों से मिला रही हूँ और सारे कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं इस तरीके से। तो पूरी ड्रॉ को आपको ऐसे ही करनी है। तो देखिए ये मैं पूरी ड्रॉ को स्मूथनेस से मिला दी। और अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पे अगेन जैसे आप पहले टैप टैप कर रहे थे कलर से, ठीक उसी तरीके से आपको फिर से दोहरानी है वही चीज़, और वही कलर आपको फिर से लेनी है। जैसे मैं पहले येलो ली थी तो मैं यहाँ पे अगेन येलो कलर ले रही हूँ और बस आपको डॉट डॉट करती रहनी है जैसे कि आप पहले किए थे। इस तरीके से आपको भी करनी है। येलो कलर हो गई और अब मैं यहाँ पे पर्पल ले रही हूँ और इसे भी आपको ठीक इसी तरीके से आपको डॉट डॉट करके इसे भी कलर को फैलानी है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि मैं हर बार मैं एक ही प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ कि इसे टैप टैप करते जानी है और आपको कलर को फैलानी है। तो आपकी प्रोसेस सेम यही रहेगी, बस कलर चेंज होती जाएगी। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ और इसे भी सेम आपको इसी प्रोसेस से इसे भी आपको फैलानी है। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये कैसे करनी है आपको। ये ऑरेंज हो गई मेरी और अब आपको इसके बाद नेक्स्ट आपको रेड कलर से करनी है इसी तरीके से। और इसके बाद आपको येलो लेनी है लाइट और इसे अगेन आपको इसके ऊपर टैप करनी है। और ये जो लाइट येलो है इसे आपको दूसरी साइड में भी थोड़ी सी ऊपर की ओर इस तरीके से फैला देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गई और अब आपको ब्राउन कलर लेनी है और यहाँ पे छोटी छोटी लाइनिंग करनी है इस तरीके से। तो ये जो लाइनिंग है इसे आप थोड़ी सी प्रेशर के साथ करना ताकि ये थोड़ी सी डार्क दिखनी चाहिए। जितने भी ट्री है उसके नीचे में आप इस तरीके से लाइनिंग करो। तो ये हो गई और हर लाइनिंग के नीचे में आपको इस तरीके से जिग जैग करते हुए टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग करनी है, जो कि बहुत ही हल्के हाथों से आपको करनी है क्योंकि मैं नीचे में यहाँ वाटर दिखा रही हूँ। तो वाटर में जो ट्री है इसकी शैडो एकदम लाइट आनी चाहिए, तो इसलिए आप लाइट हाथों से एकदम हल्के हाथों से ये कलर को करना। तो ये हो गई और यहाँ पे कुछ टहनियाँ भी मैं बना दे रही हूँ, तो इस तरीके से इसी ब्राउन कलर से ही करनी है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर लेनी है और जितनी भी ब्राउन की लाइनिंग थी इसके ऊपर आपको ब्लैक को इस तरीके से चलानी है। तो ये जो ब्लैक है ये सिर्फ वन साइड से करनी है आपको। आप थोड़ी सी ध्यान देना कि लाइनिंग डबल ना हो ताकि ये ख़राब दिखेगी ड्रॉ आपकी, तो लाइनिंग डबल नहीं करनी है आपको। और वाटर में भी जो ये ब्लैक होगी एकदम लाइट हाथ से आपको करनी है, एकदम हल्की हाथों से इस तरीके से बस। और इसे अपने फिंगर से आपको इस तरीके से रब करनी है बस। तो ये हो गई और अब आपको ग्रीन कलर से अगेन आपको टैप टैप करनी है ट्री के ऊपर में, और ये पूरी ट्री में होगी आपको इस तरीके से करनी है। इसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल कलर ले रही हूँ और ये जो स्काई ब्लू है इस साइड में सिर्फ आपको पर्पल को देनी है। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये हो गई और अब आपको ब्लैक कलर लेनी है और छोटी छोटी यहाँ पे अगेन आपको डॉट डॉट करनी है ब्लैक से, ये कर रही हूँ मैं। जो ये लाइनिंग थी इसके नीचे में आपको चौड़ी करनी है सारी लाइनिंग को, जैसे कि आप ट्री देखते हो कि नीचे चौड़ी होती है उसकी, तो आप इसे भी आप चौड़ी चौड़ी करो हर लाइनिंग को इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पे येलो कलर से थोड़ी सी कलर को फैलानी है और इधर आपको स्काई ब्लू कलर से फैलानी है। तो आप देख रहे हो कि मैं दो साइड में अलग अलग कलर डाली हूँ, तो जो कलर ज़्यादा है उसी कलर से आपको नीचे भी कलर को फैलानी है। पर आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है कि आप जैसे जैसे कलर नीचे आपकी जाएगी आपकी हाथ एकदम स्मूथनेस होगी और आप हल्के हाथों से कलर को अप्लाई करना ताकि लाइट होते जाए कलर नीचे आते आते।
तो जिस साइड जो कलर ज़्यादा है आपको वही कलर को धीरे धीरे करके फैलानी है। तो कभी आप बारी बारी कलर को चेंज करते जाओ, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, आपको जिगजैग करते हुए हल्के हाथों से ही फैलानी है। और जो कलर है बस आपकी कलर सिर्फ चेंज होते जाएगी। तो आप देख रहे हो कि मैं इस साइड में सी ग्रीन को ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और इस साइड में दूसरी साइड में मैं येलो और ऑरेंज और ग्रीन को ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, लाइट ग्रीन को। तो इसी तरीके से आप बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें और थोड़ी सी ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे करनी है। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। थोड़ी सी अब कॉपी को घुमा के इस तरीके से अब एक डायरेक्शन में हल्की हल्की लाइनिंग करना ताकि वो जो वाटर है आपकी वो इस तरीके से उभरा हुआ दिखना चाहिए। तो ये हो गई। और अब आप मैं यहाँ पे ईयरबड ले रही हूँ, ऐसे हल्की हाथों से आपस में कलर को इस तरीके से आपको रब करनी है। अब मैं ये यहाँ पे ग्रे कलर ले रही हूँ और इससे अगेन मैं टैप टैप कर रही हूँ और आपको वाटर में भी इससे थोड़ी सी लाइनिंग करनी है इस तरीके से। और अगेन आपको ब्लैक कलर लेनी है और जो हाँ थोड़ी सी लाइट हो गई थी उसे थोड़ी सी आपको अगेन आपको डार्क कर देनी है। तो वाटर में आप थोड़ी सी लाइट हाथ से ही करना, आप हल्के हाथों से करना आपको इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे वाइट कलर ले रही हूँ और इससे थोड़ी सी आपको लाइनिंग करनी है। तो ये वाली जो है वो थोड़ी सी प्रेशर के साथ आपको करनी है वाइट कलर को। और आप कहीं कहीं यहाँ पे देखो आप छोटी छोटी भी लाइनिंग करनी है और कहीं कहीं आपको इस तरीके से लंबी लंबी खींचनी है लाइनिंग को। तो ये हो गई। और अब आपको स्काई ब्लू कलर लेनी है और नीचे से जो थोड़ी थोड़ी गैप छूट गई है वाइट उसे आपको इस तरीके से मिला देनी है आपस में। और अब पानी में भी यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसे डार्क कर दे रही हूँ ब्लैक कलर को और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ब्राउन भी आपको चला देनी है इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पे वाइट कलर लेनी है और जितने भी आप ब्राउन और ब्लैक कलर डाले थे उसी में आपको वाइट कलर को सिर्फ एक साइड से डालनी है, वन साइड से। इस तरीके से आप देख रहे हो पूरी लाइनिंग आपको वाइट से नहीं करनी है, कहीं कहीं आपको करनी है। आप देखो ध्यान से देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और इसी तरीके से आपको भी करनी है। और यही चीज़ आप थोड़ी सी वाटर में भी आपको करनी है। तो यहाँ पे भी आप मैं यहाँ पे भी वाइट वाइट कर दे रही हूँ और अगेन इसे आपको इस तरीके से थोड़ी सी मिला देनी है। और यही प्रोसेस आपको थोड़ी सी ब्लैक से भी करनी है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ड्रॉ कंप्लीट हो गई। आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।